गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, ला 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 ला। अब मैं इस मंच पे नितिशा खलको मैम जी को बुलाना चाहती हूँ और उनसे चाहती हूँ कि वह कुछ शब्द कहें। विभागाध्यक्ष और प्रिंसिपल मैम, आप लोगों ने मौका दिया कि कुछ बातें आप लोगों से प्यार से गुठिया के थोड़ा सा कुछ भी मतलब खुल करके बात करके थोड़ा सा ईमानदार हो करके बात करके आज कुछ लेके जाएंगे यहाँ से। आदिवासी, इस शब्द के साथ सबसे पहले मैं कुछ इमीडिएट इमेजेस आपसे जानना चाहूँगी कि आपके मन में अगर इस शब्द को रखा जाता है, आदिवासी शब्द को, तो आपके मन मस्तिष्क में क्या आता है? हाथ रेज करें और तुरंत से रिस्पॉन्ड करें प्लीज। जंगल, और कोई? चार पांच रिस्पॉन्स लूंगी, ज्यादा नहीं प्लीज। प्रकृति की पूजा करते हैं, और कोई? थोड़ा सा रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी करेंगे। या प्रकृति की सौंदर्यता, पहनावा, बिट लाउडर, प्रकृति के अनुसार व्यतीत करते हैं। वाव, सो ये आज की पृष्ठभूमि है कि मैंने 5 रिस्पॉन्स कलेक्ट किए और मुझे सारा कुछ बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक मिला। ठीक है, 2-3 साल पहले जब मैं इस पेपर को पढ़ा रही थी, अस्मिता मूलक विमर्श, और मुझे आदिवासी विमर्श को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, मैंने ब्लैक बोर्ड में सिंपली लिखा आदिवासी। सबसे पहला इमीडिएट रिएक्शन मैंने बच्चों से फिर से लिया, पहला रिस्पॉन्स था मैम नक्सली, दूसरा मैम जो झिंगा लाला हु करते हैं, कम पत्ते वाले कपड़े पहनते हैं, थोड़े से नंगे रहते हैं, कच्चा कुछ खाते पीते हैं, लोगों को थोड़े से डरावने दिखते हैं। तो ये इमेजेस के साथ मेरे बच्चों ने मुझे रिस्पॉन्ड किया था। आज का रिस्पॉन्स बहुत अंतर है, और ये किन कारणों से है तो उसका भी एक राजनैतिक पक्ष हमारे सामने है जो हम लोग पिछले कुछ दिनों से देख पा रहे हैं। एनीवे, मैं आप लोगों को बहुत सहज तरीके से इस अंतर में जो अंतर आया है उस पर बात करने की कोशिश कर रही होंगी। जब हम लोग सकारात्मक छवियों की बात कर रहे हैं तो हमारे सामने अभी बिल्कुल हालिया एग्जांपल्स लेंगे, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाएंगे। मेरा टारगेट ग्रुप शायद टीचर्स नहीं होंगे, मुझे माफ़ करेंगे, मैं बच्चों से ज़्यादा बात करने के मूड में हूँ तो मैं उनसे ज़्यादा मुखातिब होंगी। तो जो सबसे हालिया एग्जांपल्स जो हैं, तो हमारे सामने द्रौपदी मुर्मू, हमारी प्रथम देश की नागरिक और बहुत अति माननीय हमारे लिए। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक इमेज बनता है। हम और पीछे में और कुछ नाम, एक दो आदिवासी फिगर्स आप बताना चाहेंगे जो आप खुद से आइडेंटिफाई कर पाए हैं, जो आपको ऊर्जा देते हों, जो आपको लगते हों हाँ इनके बारे में हमें पता है? जोर से, बिरसा मुंडा। और सिर्फ 4-5 रिस्पॉन्स बिरसा मुंडा, नेक्स्ट प्लीज। बिरसा मुंडा, सोगना मुंडा, और कोई? 2 रिस्पॉन्स हुए, 3-4 बस क्विक दे दें, बस हम लोग आगे बढ़ सकेंगे फिर। यार थोड़ी सी खामोशी है, तो ये वजह पूछना चाहूँगी कि ऐसा क्यों है, हमारे पास फिगर्स क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? हमने नकारात्मक छवियों की बात की, हमने सकारात्मक छवियों की बात की, लेकिन जब भी हम बात करें कि ये निर्मितियाँ कहाँ से बन रही हैं कि आदिवासी ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, मैंने बच्चों से एक ही जवाब दिया था। आपने जितने भी इमेजेस बताए आदिवासियों के संदर्भ में, एक आदिवासी यहाँ भी खड़ी है, देख लो। ओ मैम, आप तो लगते नहीं हो, गाली है ये। आदिवासी नहीं लगना मेरे आइडेंटिटी को खत्म करना मेरे लिए गाली महसूस होता है। मुझे ये प्राइड नहीं फील कराता है कि मैं आदिवासी नहीं हूँ, मुझे बुरा फील होता है कि मैं आदिवासी होते हुए भी यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ।
मुझे क्यों छिपाने की जरूरत पड़ रही है, मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या पहनती हूँ, मैं कैसे रहना चाहती हूँ, मैं दुनिया को कैसे देखना चाहती हूँ, इन चीज़ों पे क्यों बात हमेशा एक खास मानकों को रख करके, खास शास्त्रों को रख करके कर देने की कोशिश की जा रही होती है। तो ये निर्मितियाँ बेसिकली अगर मैं आपको लेके जाऊँ तो वेदाज में उपलब्ध हैं, कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में उपलब्ध हैं, उपनिषदों में उपलब्ध हैं, कुछ महाकाव्यों में उपलब्ध हैं, जहाँ से आपको तकलीफ होना शुरू हो जाती है, इमेजिनेशंस में बैठ जाता है। और इसको कैसे किसने बढ़ाया होता है, तकनीक ने, दूरदर्शन जैसे पहुँचता है आपके घरों तक, ऑल इंडिया रेडियो जैसे पहुँचता है आपके घरों तक, तो वो आपको बताना शुरू करता है कि ऐसे होते हैं आदिवासी, देख लो देख लो, पूंछ हो सकती है, हो सकता है सींग भी हो सकता है दांत बाहर हो सकता है आपको खच्चा खा जाए। तो ये सारे जो इमेजिनेशंस हैं, जो रेप्लिका है, वो कहाँ से आ रहा है, तो हमारे पास इन ग्रंथों के माध्यम से आ रहा है। उसको तकनीक, विचारधारा और समाज ने ऐसे ही लिया, और यही वजह है कि वो आज हमें ऐसे दिखाई पड़ रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो स्टीरियोटाइपिंग ऑफ आदिवासीज है, हम लोगों को उससे बाहर आने की ज़रूरत है। आदिवासी वैसे नहीं होते हैं, तो ये एक सबसे पहले अवधारणा, जो अगर आप लोगों ने बोला कि हाँ हमें नहीं रहने का मौका मिला है इनके बीच में, हम इनके बारे में नहीं जानते हैं, तो नहीं जानने के पीछे एकेडमिया की एक साजिश रही है, इतिहास की एक साजिश रही है, तकनीक की एक साजिश रही है कि आपको जानना है इनके बारे में तो ऐसे जानो, ऐसे नहीं जानना है जैसे मैं हूँ, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे, दूसरी बात मैं आपको ले जाना चाहूँगी कि आदिवासी के बारे में अगर पूछा जाए कि कौन है आखिर आदिवासी, इतिहास में एक पक्ष है जो बोलता है कि दुनिया में हर कोई जो भी है मनुष्य वो आदिवासी है, एक एंगल। दूसरा एंगल है कि जो जहाँ पर सेटल्ड है, जिस जमीन में हमारी आइडेंटिटी बनती है, जमीन से आपका जिस रिसोर्स पे कब्जा है उससे आपकी आइडेंटिटी बनती है। तो सबसे पहले जमीन से आपकी पहचान बनती है, अगर आपका नहीं हो कहीं भी घर, जमीन और लोकेशन, तो आपकी आइडेंटिटी बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इस चीज़ को जाने कि आखिर आदिवासी कौन है, इसका आंसर भारत का जो संविधान है, जिस पर हम बहुत आस्था रखते हैं और उसके मानकों पर हम आदिवासियों को तय करते हैं, तो आर्टिकल 341 से 42, 46 तक में कुछ बातें हैं जहाँ पे कि शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात की गई है। इसके कई नाम हैं आदिवासियों को लेकर के, कई नाम हैं, और ये नामों के पीछे भी एक पॉलिटिक्स है, एक राजनीति है, जिसकी वजह से आदिवासी को आदिवासी बोलने से बचा जा रहा होता है। आप उनको आधे वे जो दक्षिण पंथी लोग हैं वो वनवासी बोलेंगे, आधे लोग बोलेंगे गिरिजन, गांधी बाबा का कहना है कि ये गिरिजन है, आधे लोग बोलेंगे कि ये लोग एक्सक्लूडेड रहे हैं, बहुत अलग रहे हैं, आप आधे लोग इसको यूएन में इंडिजिनस वर्ड बोला जाता है कि ये लोग मूल निवासी हैं, कहीं के भी जहाँ पे भी सेटल्ड हैं वहाँ के मूल निवासी हैं। तो आप पाएंगे कि वर्ड्स के वेरिएशन बहुत हैं, ट्राइबल्स है, ट्राइब है, एबोरिजिन है, इसी तरीके से कई कई शब्दों के साथ आपको फंसाया जाता है कि यूनिटी ना बन पाए, एक जगह पे ना बन पाए। आदिवासी टर्म के साथ पहला स्टैंड लेते हैं 1950 के लगभग में, 1947-48 में जब देश का संविधान बन रहा था, तो आदिवासी रिप्रेजेंटेशन के नाम पे जयपाल सिंह मुंडा वहाँ पे थे, और उन्होंने बात की कि हम आदिवासी को सिर्फ आदिवासी नाम से चिन्हित करना चाहेंगे, उसका कोई शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, क्योंकि जाति व्यवस्था नहीं है। अनुसूचित जनजाति में प्रॉब्लम ये है, या जनजातीय बोलने में प्रॉब्लम ये है कि जाति से कोई एक अटैचमेंट ही नहीं है, तो फिर इनको क्यों जबरन हम लोग इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जाति से परे, जाति से बाहर लोगों की जो तरीके हैं उसको आधार लेकर के आदिवासी अपने आप को सिर्फ आदिवासी नाम के साथ चिन्हित करना चाहते हैं। वो अपने अपने लोकेशन में, अपने अपने ज्योग्राफिक इलाकों में, वो भील हो सकते हैं, वो संथाल हो सकते हैं, वो खासी हो सकते हैं, वो मिजो हो सकते हैं, वो येरुला ट्राइब हो सकते हैं, वो कश्मीर में बकरवाल हो सकते हैं, अलग अलग ज्योग्राफिक रीजन। सबसे पहले एक मानसिक छवि ये बनाना छोड़ दीजिए कि सारा आदिवासी एक है। भारत का जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसमें आदिवासी बहुत अलग हैं। कोई बर्फ में रह रहा है उसकी संस्कृति, और जो मरुस्थल में रह रहा है उसकी संस्कृति, और जो पहाड़ों में रह रहा है, जो समुद्र किनारे रह रहा है, एक नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ एक थ्रेड हो सकते हैं जो उनको पकड़े रह सकते हैं। तो वो पकड़ना क्या है, तो वो आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला,
कि प्रकृति से प्यार करते हैं, उसी के इर्द गिर्द रहते हैं, उसी को अपना नॉलेज सिस्टम मानते हैं, उनके पास कोई देवी देवता आकार में नहीं रहते हैं, वो पेड़ को पूज लेंगे, नदी को पूज लेंगे। इतिहास भी बोलता है कि धर्म की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ना, उसमें ये बहुत स्पष्ट बोलते हैं कि जिन चीज़ों से मनुष्य डरता रहा उसको पूजा करना शुरू कर दिया। तो आदिवासियों के लिए जल डराने वाली चीज़ क्या थी? नदी, बाढ़ आ गई, नहीं संभल सकता। पहाड़ गिर के कोई बड़ा हानि कर दिया, नहीं संभल सकता। तो उन्होंने उनकी पूजाएं शुरू की। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ऐसा देश जहाँ पे कई कई समय में लोगों ने आगमन किया, कोई यहाँ प्रेम के साथ रह गए, किन्होंने मारकाट मचाई, और कुछ लोगों को लगा कि हम लोगों को इस जगह को, मतलब ये फिटेस्ट जो सर्वाइवल के स्किल्स हो सकते हैं उसके तहत हुआ है, और कुछ नहीं बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आदिवासियों के बारे में जो बातें की जा रही हैं, इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि आदिवासी सुपीरियर हो जा रहे हैं और हम लोगों में थोड़ा सा इन्फीरियर आ रहा है, ये बात से बिल्कुल गुरेज करेंगे आप लोग। ये बातें बस इस वजह से बताई जा रही हैं कि एक समाज ऐसा, एक आईना ऐसा, हम लोग बोलते हैं ना साहित्य को समाज का दर्पण, लेकिन एक दर्पण जो रोटेट ही नहीं किया गया, दर्पण के पीछे का हिस्सा बन के रह गया कुछ समाज। ठीक है, तो वो रोटेशनल आईना नहीं दिखाई पड़ता है हमें, ना हिंदी को लेकर के, ना अंग्रेजी को लेकर के, या किसी भी अन्य भाषा के साहित्य को लेकर के। तो इस बात को हम लोगों को सबसे पहले याद रखना है कि संविधान बोलता है, 1950 में जब लागू होता है तो बोलता है कि इन्हीं को हम आदिवासी मानेंगे। तो क्या 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 गुण होने चाहिए उनमें? तकनीक से दूर होंगे वो, उनको मशीन्स का इस्तेमाल नहीं करना आता होगा, वो अपने बिहेवियर में हेजिटेंट होंगे, हिचकिचाहट रखते होंगे, वो बहुत आपसे ओपन अप नहीं हो सकते, आपसे घुल मिल नहीं सकते, उनमें थोड़ा सा एक दूरी रहने का सेंस होगा कि नहीं मुझे थोड़ा सा दूर रहना है। उनकी एक खास संस्कृति होगी, भाषा होगा, पहनावा होगा, जो मेन स्ट्रीम से, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम से, तथाकथित मुख्यधारा से अलग होगा। दूसरा कि उनका जो लोकेशन होगा वो बड़ा रिमोट एरिया में होगा। ठीक है, वो बहुत इजी टू एक्सेस प्लेसेस में नहीं होंगे। तो ये चीज़ें हैं जो संविधान आपको आदिवासी होने के लिए तय करा रहा होता है। मैं बात करना चाहूँगी कि जब भी हम लोग आदिवासियों के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो हम लोग को संविधान से पूर्व की स्थितियों पर भी एक बार आदिवासियों पर गौर करना चाहिए। संविधान 1950, ठीक है, आप अभी 75 साल हम लोग आज़ादी के मना रहे हैं, उससे थोड़ा और पीछे चले जाएं कि इस संविधान के लागू होने से पूर्व की स्थितियां क्या थी आदिवासियों के संदर्भ में। तो संविधान से पूर्व अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों ने बहुत सारे नियम और कानून बनाए जो आदिवासियों को संरक्षित करते हैं। अब ये संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि फिर से वही सर्वाइवल का प्रश्न, कौन फिटेस्ट है। ठीक है, तो आप किसी रिमोट इलाके में कोई एक नमक, तंबाकू, तेल, कुछ एक चीज व्यापार के सेंस में लेकर के उनके बीच में पहुंचे हैं। याद रखें, आदिवासी कभी भी एक्सक्लूडेड नहीं रहा है, वो हमेशा संबंधित जो भी समाज रहा आसपास में उसके साथ उसके व्यापार रहे, लेन देन रहा, और इस लेन देन के क्रम में उन लोगों को लगा कि इनकी कुछ बेसिक जरूरत की चीजें हैं जो ये खुद नहीं बना सकते, दैट वॉज नमक। नमक जो था, मैं मेरा लोकेशन जो है, मैं छोटा नागपुर बेल्ट से आती हूँ, झारखंड, और छत्तीसगढ़ का जो इलाका है वो एक खास आइडेंटिटी बनाता है, प्लेटू इलाका है, पठारी इलाका है। तो मैं वहाँ पे की बात कर रही हूँ कि वहाँ नमक से ही बाहरी लोग आदिवासियों के संपर्क में आए, और उस नमक की वजह से ही उनका एक बात व्यवहार शुरू हुआ। लेकिन उन्होंने ये देखा कि इनके पास रिसोर्सेस बहुत है, और नमक के बदले में पहले बार्टर सिस्टम होता था, तो उन्होंने जो जंगल से पाया वो इनको देते थे, उन्होंने जो बनाया वो उनको देते थे, और लेन देन इस तरीके से होता था नमक के सेंस में। लेकिन इन लोगों को लगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इन पर कब्जा कर सकते हैं, बहुत सीधे से लोग हैं, बहुत रेजिस्ट नहीं करते। तो उन लोगों ने ज़मीनों पे, जिन ज़मीनों को काट करके उन्होंने खेती लायक बनाया था, उन पर अटैक करना शुरू किया, और ज़मींदार जैसे लोग वहाँ पे पहुँच करके उन ज़मीनों को हासिल करने लगे। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनके फॉरेस्ट में एंट्री से रोका, उनके कई सारे लॉज ने उनको जो ईजी एक्सेस था, हम लोग कहीं भी अगर भूख लगी है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तुरंत इमिडिएट गेट पे वाला छोले कुलचे जाके खाएंगे ना, ना कि जाएंगे उधर हंसराज की तरफ और दौलत राम की तरफ और कहीं जा करके कहीं दूर, मतलब इजी टू एक्सेस जो है हम उसको अप्रोच करते हैं। तो आदिवासियों के लिए जो इजी टू एक्सेस था वो उनका जल, जंगल, जमीन
और अपने लोगों से बना हुआ था। हम लोग सिर्फ तीन की बात करते हैं, जल, जंगल, जमीन, ये रिसोर्सेस हैं, लेकिन उस रिसोर्सेस से बड़ा रिसोर्सेस आपके साथ बैठ के बात करने वाला, आपके इमोशंस शेयर करने वाला लोग होना चाहिए। जनों को हम भूल जाते हैं, तो जन जरूर होने चाहिए थे। तो जमींदारों का दखल वहाँ शुरू हुआ, लैंड्स को लूट हुई, फॉरेस्ट और पुलिस का अतिक्रमण बढ़ा, और ऐसे समय में आदिवासियों ने रेजिस्ट किया। पहला रेजिस्टेंस इतिहास से गायब है, बहुत कम राइटिंग्स आई हैं, और इधर लिटरेचर में और साहित्य में आने में और टाइम लगेगा, हिस्ट्री में फिर भी एक कोशिश जारी है। तो पहला छोटा नागपुर में रेजिस्टेंस 1757, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम क्या पढ़ा है हम लोगों ने, 1857, मैं कहाँ की बात कर रही हूँ, 1757, कितने ईयर्स बैक, 100 ईयर्स बैक, ठीक है। तो 100 ईयर्स बैक के उलगुलान को, आंदोलन को जो तिलका मांझी लड़ रहे हैं, वो फ्रीडम फाइट नहीं बन पाता है, लेकिन जो सैनिकों के द्वारा विद्रोह हो जाता है एक खास हिंदी पट्टी में, तो वो आपका पहला स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के इस लड़ाई में सैन्य के एक कारणों में हम लोगों ने पढ़ा था, क्यों विद्रोह हुआ था, सैन्य विद्रोह एक बहुत प्रोमिनेंट रीजन था, रिलीजियस रीजन, लाउडर कारतूस में कुछ प्रॉब्लम थी, ऐसा था, कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी, तो रेजिस्टेंस शुरू हो गया। अगर नहीं होता, मान लो ऑयल होता, सरसों का ऑयल होता, रेजिस्टेंस वो लोग किसके लिए अपॉइंट किए गए थे, किसको मार रहे थे वो लोग, सैनिक बन के, ब्रिटिश की सैनिक थी ना वो, किसको मार रहे थे, जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे। तो 1947 की जगह पे हम लोग और 100 ईयर्स बैक मान सकते हैं कि और आप पीछे हम लोग इंडिपेंडेंस मिलता, अभी तो 75 चल रहा है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि एकेडमिया ने किन चीज़ों को ढका है, छुपाया है, और आपके लिए एक टफ टाइम दिया है जिसको कि आप नहीं जान रहे हैं बेसिकली। तो मैं आपको छोटा नागपुर में तिलका मांझी आंदोलन के बारे में बताना चाह रही हूँ कि जहाँ पे 1757 में भागलपुर में वो लड़ रहे हैं, और वहाँ पे इस जमीन लूट के खिलाफ अंग्रेज सेंसिटाइज हो जाते हैं कि भाई नहीं लूटते हैं, इनका कल्चर अलग है, इनको अलग ही रहने देते हैं, बाइनरी में नहीं बनाते, हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं बनाते हैं, इनको इंडिपेंडेंट रहने देते हैं। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनता है 1908 में, ठीक है, और ये बिरसा के उलगुलान के इमीडिएट बाद बनता है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, इनके साथ वाकई समस्याएं हैं, सिर्फ लूट हम करों के माध्यम से नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो जमींदार हम एक देसी एजेंट के तौर पर रख रहे हैं, साहूकार रख रहे हैं, महाजन रख रहे हैं, उनके वाया भी इन पर एक मेजर हरासमेंट है, मेजर परेशानियाँ हैं। तो 1908 में इन्होंने कानून बना दिया, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बन जाता है 1900 के लगभग में, विल्किंसन रूल हो बेल्ट में लागू हो जाता है जो 1800 का दशक है। तो इतने सारे रूल्स इनके प्रोटेक्शन में बनाए जाते हैं, जिसको आज भी संविधान एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि नहीं, जो ब्रिटिशों ने इनके संरक्षण के कानून बनाए थे उनको एज इट इज रहने देते हैं, और इसके अलावे हम लोग कुछ और प्रोविजंस करके इनको स्ट्रीम्स में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें सीएनटी, एसपीटी और विल्किंसन रूल के बारे में। तो ये कानून बेसिकली बोलते हैं कि आदिवासी जहाँ सेटल्ड है उसकी जो अपनी स्वशासन की व्यवस्था है, जैसे वो जीना चाहते हैं हम उनको वैसे ही जीने देंगे, हम उनको टच नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या इस ग्लोबलाइज्ड इरा में वो एक इंटेंशन लाजिम है, मतलब ये संभव है, आपको लगता है? तो बदलाव, जो परिवर्तन है, जो नियम है, वो हमेशा से गतिमान रहा है, और आदिवासियों के बीच में भी जो मेन स्ट्रीम के थॉट्स हैं, जो दर्शन हैं, सब कुछ पहुंचे हैं उन तक, ठीक है। तो आदिवासी आंदोलनों को आपको जानना चाहिए एक पूरा क्रमवार तरीके से कि कितने पुराने इतिहास से ये चीज़ें दिखाई पड़ती है, कब, कहाँ, क्यों और कैसे ये आज तक एकेडमिया से, इतिहास से और पाठ्यक्रमों से दूर रहे, ये आपको जानने की ज़रूरत है। धूनी तपे तीर आप लोग पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में, वो राजस्थान का एक बेल्ट है जहाँ पे भीलों के द्वारा, मीनाओं के द्वारा एक लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। लेकिन हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सचेतन शिक्षकों और एकेडमिक जगतों में बैठे हुए जातीय हितों को सर्वोपरि रखने वाले शिक्षकों के द्वारा उस हिस्से को ही बस चिन्हित किया गया जहाँ पे आपको एक हीरो चाहिए,
आदिवासी को एक हीरो उसके कम्युनिटी से नहीं चाहिए, वो हीरो बाहर से आएगा। आप पढ़ लीजिए धुनी तपतीर का जो हिस्सा हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में पढ़ाया है, उसमें वो एसेंस है ही नहीं। आदिवासी खुद भी लड़ रहा है, न सिर्फ फिजिकल लड़ रहा है बल्कि एक सांस्कृतिक युद्ध में भी लड़ रहा है, और वो सांस्कृतिक युद्ध जो है नहीं दिखने वाला है। आपके घर में कैसे लगावे तू जब लिपस्टिक पहुंचता है या हट जा ताऊ पहुंचता है, ये गानों को अगर आप आदिवासियों के बीच में उनके परिवार में उनके समाज में गाते हुए सुन रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि उनके गीत जो चाहे धान बोते हुए में वो कर रहे हैं, शिकार करने हुए में जाते में एक सामूहिकता के साथ जी रहे हैं, वो सारी चीज़ें गुमशुदा हो गई हैं। और पूरा ग्लोबलाइज्ड, पूरा ग्लोबल तरीके से हम लोग सब कुछ एक रंग में रंग देना चाहते हैं, एक संस्कृति के वाहक हो जाना चाहते हैं। आपके जिस भी ज्योग्राफिक रीजन से आते हैं, सबका एक खास खाना पीने का तौर तरीका है। लेकिन पॉलिटिकल आप एसर्शंस में आप देखेंगे या राजनीति में देखेंगे कि किसी खास स्टेट का जब चुनाव होना है तो हमारे जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों को वहाँ का खाना पीना पसंद आना शुरू हो जाता है उस स्टेट का। ठीक है, खमन कहाँ का खाना है, लिट्टी चोखा कहाँ का खाना है, कहाँ डोसा खाना है, और ये खाने पर तो हम फिर भी बात कर लेते हैं, लेकिन उन पर बात नहीं कर रहे होते जिनका खाना वाकई वहाँ के ज्योग्राफिक रीजन में अवेलेबल जानवरों से है। आप बच्चों ने जो प्रदर्शनी लगाई थी बहुत खूबसूरत, आप लोगों ने दिखाया कि मैम ये ना चींटी के अंडे खाते हैं, चींटी के अंडे। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगी सिर्फ चींटी के अंडे उस ज्योग्राफिक रीजन में क्राइसिस, जब भी आपके पास प्राकृतिक आपदाएं हैं, उन प्राकृतिक आपदाओं से बाहर निकलने का और सरकारी कोई सपोर्ट ना मिलने से जो अवेलेबल है आदमी वो खा के जीता है। हम लोग डिस्कवरी में भी एक प्रोग्राम देखते रहे हैं ना, जिसमें सर्वाइवल के टैक्टिक्स दिखाते रहे हैं। आपको यही चीज़ समझना है आदिवासियों के संदर्भ में कि उनके थाली में एक चींटी जैसा खाना है, और कोई बिहार की एक जाति ही है जो सिर्फ चूहों को खा करके जिंदा है। ये सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल के टैक्टिक्स हैं जो उनको इस पूरे अपने शरीर का, हम बायोलॉजी भी पढ़ के आए हैं, 12वीं तक पढ़े हैं ना, 12वीं में हम लोगों ने ये बिल्कुल जान लिया है कि बॉडी को एक एनर्जी सप्लीमेंट चाहिए जो कार्ब हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, विटामिन हो सकता है। ठीक है, तो यही बेसिकली पूर्तियाँ हैं ये, और इस पर हम अटैक करते हैं क्योंकि ये हमारी संस्कृति में नहीं खाया जाता। हमारे यहाँ वेजिटेशन, आप चले जाएं लद्दाख और कश्मीर के तरफ में, उधर का जो अपर कास्ट हिंदू पीपल भी होगा वो भी उस मांसाहार पे रिलाई करता है, क्योंकि जो ठंड है उस ठंड में उसको उतना फैट रिक्वायर्ड है, और फैट आपके खाने में रेयरेस्ट है। जहाँ पे आपकी वनस्पतियाँ नहीं उगती हैं वहाँ पे आपको मीट पर डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों के पास जो ये मनसाएं हैं दिमाग में बना हुआ है, ओ ये तो ये खाता है, वो तो ये खाता है, ये तो ये ट्रांसपोर्ट करता है, इस पर बैन हो जाना चाहिए, ये तो ये लाती है टिफिन में इसलिए हम उसके साथ नहीं बैठ सकते हैं, ये सब सब सारी धारणाओं से हमको बीइंग अ मॉडर्न मैन वुमेन स्टूडेंट एक मानवीय पक्षों को देखते हुए जानते हुए इस पर विचार करना चाहिए और इसे बाहर आने की जरूरत होनी चाहिए। सीधे अब आदिवासी साहित्य पे, बहुत बातें हो गई, कुछ गीत। अब तो मैं अपनी मातृभाषा में गाया हुआ एक गीत सुनाऊंगी और उसके अर्थ पे ले जाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी जो हिंदी में आ जाती हैं वो फिर भी कुछ बड़े प्रकाशन घराने हैं जो छाप लेते हैं और जिसका रेप्लिका हम लोग नीचे देख ले रहे हैं, लेकिन आदिवासी भाषाओं से टकराने का मौका नहीं मिल पाता है आपको, तो इसलिए मैं बहुत इंटेंशनली हिंदी में उपलब्ध आदिवासी साहित्य को छोड़ करके मैं बात करूंगी जिन पर आपका पहुंच नहीं बन पा रहा होता है। लिमिटेशंस हैं, भाषाएं बहुत हैं, 700 से ऊपर यहाँ पे आदिवासी समुदाय हैं, उनकी कई कई भाषाएं हैं, लिपियां हैं, उनके अपने लिटरेचर हैं। मैं आपको एस्थेटिक के लिए एक गाना अपने यहाँ का सुनाना चाहूँगी, और ये गीत मैं लेटेस्ट वर्जन भी सुनाऊंगी और उसका पुरातन वर्जन भी। ठीक है, बहुत छोटा सा अंतर है, एक कुड़ुक में ही आधुनिक गीत मैं गा के सुनाती हूँ, और तीन फेज की गीतों को मैं लूँगी, आधुनिक, एक मिड टाइम और एक बिल्कुल एंशियंट टाइम। तो सबसे पहले आधुनिक गीत से शुरू कर रही हूँ मैं। हे बाबा होए लूर कोणिया तैयो लिखी अन पढ़ोन लूर कोणिया तैयो लिखी अन पढ़
अर्थात एक बच्ची है और वो बोलती है अपने पिता से कि बाबा एक नया सूरज उगा है और उस नए सूरज में इतना प्रकाश है कि सब लोग उसे उजा रहे हैं और वो जो प्रकाश है वो शिक्षा का है, सो मुझे भी जाना है वहाँ पे, आप मुझे जाने दीजिए। तो ये एक प्लीट एक बच्ची का अपने पिता के लिए, ये एक आधुनिक कुडुक सॉन्ग है जो मैंने आपके सामने रखा। होपफुली आपको वर्ड्स नहीं भी समझ में आए होंगे लेकिन आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। मैं दूसरा एक मध्यकालीन गीत लेके जाऊंगी आपको, जहाँ पे आप ना उसके सेकंड फेज को समझ पाएंगे कि पुराने समय में और क्या था। छुट्टी को ना को कोई टुंकी लिखा खोपा तो ठुको को रन को रन बा धीरे ढुको को रन बादी। छुट्टी को ना को कोई टुंकी लिखा खोपा तो ढुको को रन बा धीरे ढुको को रन बादी। अर्थात प्रिय अपनी प्रियतमा से कह रहा है, तुम ना अभी बहुत छोटी हो, उम्र में मुझसे बहुत छोटी हो, और जो तुम कह रही हो कि तुम बिना शादी के मेरे पास आके रहना चाहती हो, तो तुम्हारा जो जुड़ा है ना बालों का बांध के जो जुड़ा बनाया वो बहुत छोटा सा है, उसी से पता चल जा रहा है कि तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, तो तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए, अभी रुको, थोड़ा सब्र करो, अभी नहीं। तो यहाँ पे एक ढुकू परंपरा का जिक्र है, उस ढुकू में यही एक ऑप्शन हमारे पास हुआ करता था सोसाइटी में कि अगर कोई लड़की और लड़का आपस में पसंद कर रहे हैं और वो सामाजिक किन्हीं कारणों से शादी और विवाह नहीं कराए जा सक रहे हैं, तो उस शादी विवाह के बिना भी वो उसके पास जाके रह सकती थी और उसको धीरे धीरे सोसाइटी को और परिवार को एक्सेप्ट कर लेना होता था। यहाँ पे एक जो पुरुष आदिवासी व्यक्ति है उसमें एक सब्र का सेंस है, उसके पास छोटी लड़की को डिनायल का सेंस है, एक लड़की के प्रेम के प्ली का पता चलता है, और यहाँ पे मतलब ये एक एस्थेटिक देखिए, एक पुरुष का एस्थेटिक। अदरवाइज आज का एस्थेटिक क्या है पुरुषों के संदर्भ में, तो वहाँ 11 दिन की बच्ची के साथ भी रेप और गैंग रेप और 80 साल की महिला के साथ भी रेप और गैंग रेप। तो मतलब आपको इस सोसाइटी को इसके गीतों के माध्यम से भी जानने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा सॉन्ग जो आदिकालीन है और गीत याद आ गया, तीसरा गीत आदिकालीन, इंदिर पूपन इंदिर पूपन इंदिर पूपन पीलो में झेर की भग झुकनी लिखा लो कर की बड़ा लागी हो, भग झुकनी लिखा लो कर की बड़ा लागी। ये मैंने लेटेस्ट एडिशन सुनाया है जिसमें भग झुकनी वर्ड है, इसी का पुराना जो है जो कंपाइल्ड किताबों से मिलता है वो रेवरेंड एफान धर्मदास लकड़ा ने इसको प्रिंट किया था लील खोरा खेखिल नामक बुक से, जो 2600 लोकगीतों का कलेक्शन है, उसमें जो गाना है वो इस तरीके से है, इंदिर पूपन इंदिर पूपन इंदिर पूपन पेलो में छेद की वनवर हाल के लौकार की बड़ा लागी हो। यहाँ पे प्रिय कह रहा है अपनी गीत में कि दूर से कोई चीज मेरे पास में झिलमिलाती हुई सी नजदीक आती हुई दिखाई दे रही है, आखिर वो क्या है जो इतनी तेज है, इतना मतलब उसमें एक अट्रैक्शन है, मैं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ और वो मेरी तरफ बढ़ती हुई आ रही है, तो वो आखिर क्या है। तो जैसे ही गीत आगे बढ़ता है और उसमें वो जैसे ही नज़दीक आता है वो ऑब्जेक्ट जिसको वो झिलमिलाता हुआ था बता रहा था, चमकीला सा अट्रैक्टिव बता रहा था, वो बोलता है ओ ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी प्रियतमा है जो मेरे तरफ तेज़ी से बढ़ते आ रही है, लेकिन किसकी तरह बढ़ते आ रही है, गजगामिनी की तरह नहीं बढ़ती हुई आ रही है, वो हंसनी की तरीके से बढ़ती हुई नहीं आ रही है, वो मेरे पास बढ़ते हुए आ रही है वनवरहा जंगली सुअर की भांति।
अब कितने बच्चियाँ इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगी कि उनका कंपैरिजन उनके बॉयफ्रेंड जंगली सुअर से कर लें, कि वो उसकी तरीके से मेरे पास तक में आ रही है। कितने लोग हम लोग इस चीज़ को मतलब सहमत हो पाएंगे। तो इस चीज़ को मैंने गांव में पूछने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है, क्यों कोई वुमेन को जंगली सुअर बोला जा रहा है, ये तो डेरोगेटरी हुआ, मेरे लिए तो डेरोगेटरी हुआ, ऐसा क्यों है। उन्होंने जो जवाब दिया और गांव में जो बात आई वो ये थी कि जब आदिवासी सेटल नहीं हुए हैं कृषि में तो उससे पहले शिकार में है, और शिकार में उन्होंने बड़े से बड़े जानवर को एक तीर में, एक भाले में और सामूहिक रूप से बहुत आसानी से मार डाला है। लेकिन एक जंगली सुअर ऐसी चीज़ है जिसको मारने के बाद भी उसमें इतनी जान होती है कि वो दूर कई किलोमीटर जा कर के रुकती है, गिरती है, जो भी होता है। तो उसमें उसकी बलिष्ठता की बात है, उसमें उसके शौर्य की बात है, उसके तेज और उसमें जीवन का जो उत्स है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वुमेन को इन लोगों ने कैसे देखने की कोशिश की है, मजबूत है, बहुत तेज है, बहुत शौर्यवान है, इस वजह से उसमें जान नहीं निकलती है, इतनी ही है। तो कंपैरिजन ऐसे हिंदी लिटरेचर में हम लोगों ने वुमेन का कंपैरिजन गजगामिनी, हंस ने, मयूरी आंखें, तो मतलब आप इन चीज़ों को जब उनके सौंदर्य बोध को, इनके सौंदर्य बोध को सामने रखते हैं तो आपको अंतर दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आदिवासी साहित्य में जब कभी हम बात कर रहे होंगे तो उनका ट्रांसलेशन महज इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता, बल्कि उसके एस्थेटिक को, उनके समझदारियों को भी ग्रैब करने की ज़रूरत है। जहाँ पे एक सब्र जैसी चीज़ है, जहाँ प्रेम निवेदन की स्वीकार्यता है, जहाँ कोई बच्चा जायज़ और नाजायज़ नहीं पैदा होता है, जहाँ पे आदिवासी भाषाओं में गालियाँ नहीं मिलती हैं, हम लोगों को विचारना पड़ेगा कि सभ्यता का जो भी पैमाना तय किया गया है वहाँ पे आदिवासी पीछे हैं या हम आगे हैं। तो इतनी सी बातों के साथ में मुझे लगता है मैं अपनी बात लंबी हो चुकी है, उसको छोटे से छोटा रखने की कोशिश करती हूँ। और जो हिंदी लिटरेचर में अनुवादित होकर के निर्मला पुतुल से लेकर के भीली राइटर वाहरू सोनवाने की कविताएं आ चुकी हैं, ग्रेस कुजूर की कविताएं आ चुकी हैं, ये सब आपके सामने जग जाहिर है। और आप लोग उसको पढ़ने के बाद कितना अपने आप में संवेदनशील तरीके से महसूस कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये पक्ष आप लोगों को विचारने रखने होंगे। मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहूँगी, अंतिम हिस्सा बिल्कुल छोटा, जहाँ पे कि आदिवासी लेखन के मूल में आखिर क्या कुछ मिल पा रहा है, क्या ये प्रतिरोध का साहित्य है जैसा दलित साहित्य पे एलिगेशंस लगे थे, भाषा बुरी होती है, गाली गलौज होती है, हमेशा रेजिस्ट कर रहे होते हैं। तो आदिवासी साहित्य के संदर्भ में ये समझना पड़ेगा, जो हमने वर्तमान परिदृश्य के जितने विजुअल्स देखे यहाँ पे चार मिनट के अंदर में, तो प्रतिरोध बिल्कुल है, अस्मिता का है, उनके अपने होने और अस्तित्व को लेकर के है। तो इस चीज़ को मैं स्वीकारती हूँ। साथ ही उनका इंटेंशन पृथ्वी सहेजने का है। हम लोग क्रिएशन में विश्वास करते हैं, विध्वंस में नहीं करते हैं। भावी पीढ़ियों को हम धरा ऐसे ही देना चाहते हैं, हम सब कुछ उपभोग करके खत्म नहीं कर लेना चाहते हैं, ये एक इंटेंशन उनके राइटिंग्स में है। प्रेम, उत्साह, उल्लास जैसे मानवीय गुणों को वो सबके बीच में देखना चाहते हैं। तेजी से बदलती हुई दुनिया में थोड़ा सा ठहरना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, आपसे बतियाना चाहते हैं। बस आप उनके नैन नक्श से परे जाकर के उनके दिलों तक उतरने की कोशिश करें। स्वर्ग नर्क जैसी कोई अवधारणा इनके बीच में नहीं है, धार्मिक कट्टरता नहीं है, कोई सांप्रदायिक चीज़ें इनमें देखने को नहीं मिल रही होती है। तो आदिवासी साहित्य का ओवरऑल जो अस्क निकल के आता है वो यही है। सो आज के लिए मैं इतनी ही बातचीत आप लोगों से करना चाहूँगी, और आप लोगों को कभी भी लगता है कि मुझसे जुड़ना चाहिए, मुझसे और कुछ बातें पूछनी चाहिए, मेरे यहाँ आना चाहिए, तो बहुत स्वागत रहेगा। झारखंड में मैंने अभी जस्ट नौकरी पाई है और चाहूँगी कि आप लोग आकर के जिन चीज़ों को मैंने बताया है उसको आप लोग खुद से सेंस करें। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम शिखा यादव। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ऐसा मानते हैं कि हम आदिवासी लोगों के बारे में सोचते हैं कि उन्होंने वो शिक्षा से वंचित हैं, कुछ हद तक ये आता है दिमाग में, तो क्या उनकी शिक्षा के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है, या फिर उनको भी एक जो वो जीवन जी रहे हैं उनसे उसमें रहकर भी
जो बाहर की जो शिक्षा तो बहुत ज़रूरी होती है, वो लेनी चाहिए सभी को, क्योंकि अगर वो देश में भागीदारी करेंगे तभी कह सकते हैं कि वो आदिवासी समाज के लिए भी अच्छा करेंगे। शिखा बताया, थैंक यू शिखा, अच्छा प्रश्न। जो हिस्सा छूटता है वो प्रश्नों के वाया आ जाता है, इसलिए जरूरी है प्रश्न। खलील जिब्रान की एक पंक्ति है, बहुत फेमस कोट है, हम गलत किताबों की पैदावार हैं जो हमें प्रश्न पूछने से रोकती हैं, सवाल खड़े करने से रोकती हैं। और सिस्टम एक्चुअली आप याद कीजिए, 12वीं तक आप पढ़ चुके हैं, 3 साल ग्रेजुएशन में आप निकाल रहे हैं, और इस 15 साल में आपको कितना सवाल पूछने दिया गया है। तो ये एक पहल होनी चाहिए कि सवाल आपके मन में आए, हम कुछ भी बोलें, हमने अपनी रीडिंग्स बताई हैं, आप अपनी लोकेशन से सवाल पूछते हैं तो चीज़ें और खुलती हैं। शुक्रिया शिखा। आपने शिक्षा के बारे में बताया, पूछा कि क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और इनके पास जो अपना एजुकेशन सिस्टम है उससे मतलब हम लोग कैसे कॉप अप कर सकते हैं। आदिवासियों के संदर्भ में मैं फिर से अपने बेल्ट को लूँगी, क्योंकि सारी आदिवासी समूह एक नहीं है, होमोजेनस आइडेंटिटी नहीं है। तो मैं छोटा नागपुरियन बेल्ट के आदिवासियों के बीच में रही हूँ, मैं खुद अपने ट्राइब के बारे में बात कर सकती हूँ, अपने आदिवासी समूह के बारे में बात कर सकती हूँ। तो उड़ाव लोगों के बीच में जो मेरा लोकेशन है, उड़ाव लोगों के बीच में धुमकुड़िया एक जगह होती है, उस धुमकुड़िया में बेसिकली मेल और फीमेल का अलग अलग सेटअप होता है जो गांव में बेस्ड होता है। एक को पिलो एड़पा बोलते हैं और एक को जोक एड़पा बोलते हैं, ठीक है। तो पिलो एड़पा लड़कियों के लिए स्कूल और जोक एड़पा लड़कों के लिए स्कूल। तो उसमें एक खास उम्र तक, जब तक बच्चे की विवाह नहीं संस्कार पूरा हो जाता है तब तक उसको मैंडेटरी उसमें जाना जरूरी है, ठीक है। और इस धुमकुड़िया को ही छत्तीसगढ़ के आदिवासी समूह घोटुल कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये यूथ डॉर्मेट्रीज हुआ करती हैं। तो यहाँ पे आपको अपने जीवन में काम आने वाले सारे स्किल्स को सिखाया जाता था। लड़की बच्चियाँ हैं तो उनके सोसाइटी के लिए क्या रोल तय किए गए हैं उनको उनमें पारंगत किया जा रहा होता था, और लड़के बच्चों को उनके सोसाइटी में, अगर पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो उसका अपना रोल है, मैट्रियार्कल सोसाइटी है तो उसका अपना रोल है, ठीक है। दोनों तरह की सोसाइटीज आदिवासियों के बीच में हैं। तो मैं अपने सोसाइटी की बात करूँ तो पितृसत्तात्मक समाज है मेरे यहाँ, और 2 तरह के स्कूल्स होते थे, उस स्कूल को धुमकुड़िया कहते थे, और यहाँ पे हम लोग एजुकेशन पा रहे होते थे। लेकिन जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसीज भारत में अंग्रेजों के वाया आई, तो हम लोगों ने पहले, आपको भारत के शिक्षा व्यवस्था का भी इतिहास जानना चाहिए, परंपरागत तौर पर कुछ खास विशेष जातियों को ही पढ़ने पढ़ाने का अधिकार था, बहुत बाद में हम लोगों को मिला है। और बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ लड़कियां बच्चियां, हम लोगों के तो ये और भी बहुत लेट मिला है, हासिल हुआ है। तो आप पाएंगे कि जब अंग्रेजों ने शिक्षा का लोकतांत्रिकरण किया तो उसमें भी हम पढ़ रहे थे ब्रिटिश का इतिहास, ब्रिटिश का समाज, वहाँ का ज्योग्राफी, ठीक है। ये आप टाइम पीरियड बता दूँ, लगभग 1850 का समय है जब भारतेंदु वगैरह पैदा हो रहे हैं और लिखा जाना शुरू हो रहा है। शिवप्रसाद सितारे हिंद एक मेजर कैरेक्टर हिंदी इतिहास के, बहुत बड़े स्टार जिनको दबा दिया गया, छिपा दिया गया। तो शिवप्रसाद सितारे हिंद बोलते हैं, वो स्कूल ऑफ इंस्पेक्टर रहते हैं, ये तो गलत पढ़ाया जा रहा है। उनके मन में ये बात आती है और वो बोलते हैं, रोकते हैं कि अगर मेरे बच्चे भारत में रह के ब्रिटेन का समाज जानेंगे, ब्रिटेन का हिस्ट्री जानेंगे, तो ये भारतीय कहाँ रहेंगे, ये अपने को होना नहीं पहचान पाएंगे। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया और बोला कि नहीं, ये गलत पढ़ाया जा रहा है, ये रुकना चाहिए। और इस ऑब्जेक्शन के बाद उन्होंने, अंग्रेजों ने, बड़े लिबरल थे तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, क्या पढ़ाना है, दीजिए लिख करके। उन्होंने अकेले एकमात्र इंसान ने 55 से ज़्यादा किताबें लिखी। इतिहास तिमिर नाशक देख लें, भूगोल हस्तमलक देख लें, आपको उन पर बहुत सुंदर सा राइटअप वीर भारत तलवार ने साहित्य अकादमी से छापा है। एकदम मैंडेटरी, 3rd ईयर के स्टूडेंट जो आगे हिंदी में कैरियर बनाना चाहते हैं, जरूर इस शिवप्रसाद सितारे हिंद की छोटी सी मोनोलॉग है, उसको जरूर खरीद के पढ़ लें, ठीक है। तो उन 55 किताबों का जिक्र आ जाएगा, उनकी भाषा का जिक्र मिल जाएगा, उनका कंटेंट मिल जाएगा। वो भूगोल हस्तमलक में लिख रहे हैं, पृथ्वी कैसी है, तो गोल है, संतरे की तरह गोल है। ये भाषा हम लोगों ने पढ़ी, लेकिन किसने लिखा, किसने स्टार्ट किया, ये नहीं खोजा हम लोगों ने, ठीक है।
तो बेसिकली हम लोगों ने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को एज इट इज अपने पास ला लिया, लेकिन उसके क्या हानि हो सकते थे जब प्रश्न आपके पास से कम आते हैं और सिर्फ शिक्षक एक घंटे बोल रहा होता है, तो ये एक दुष्परिणाम है। और हम लोग उन सारे स्किल से दूर रहते हैं जो बीइंग अ ग्रेजुएट हम लोगों को बाहर जाके सोसाइटी में प्रैक्टिस करना होता है। हमारे पास सोसाइटी का बहुत सारा रोल जो हम प्ले कर रहे होते हैं, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ चीज़, मतलब आप कुछ भी, मतलब आप सोसाइटी के लिए भी जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं उसमें आप स्किलफुल नहीं रह पाते हैं। पीरियड्स के बारे में हम नहीं जानते थे, जब तक हम लोग प्रैक्टिकलिटी में नहीं आते हैं तब तक थ्योरी वाले पोर्शन हमसे डिस्कस ही नहीं किए जा रहे होते हैं। सेक्स एजुकेशन हमारे पास जीरो है, हम लोग सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट करेंगे ये हमारे पास जीरो है। तो ये तमाम तरह के जो सिस्टम्स रहे हैं, तो हम लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है कि हम आखिर क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ये एक सवाल बनता ही बनता है। और जिस तरीके से पाठ्यक्रमों से खास जातियों को दूर रखा गया, उसका इंटरप्रिटेशन गलत रखा गया, उनको दूर मतलब अकादमिया से रखा गया, तो ये सब रीज़न है। प्रयास जो हो रहे हैं भारत सरकार के द्वारा हो रहे हैं, कुछ निजी संस्थानों के द्वारा भी हो रहे हैं, एनजीओज के द्वारा भी हो रहे हैं, लेकिन वो इनसफिशिएंट है। लोकतंत्र देश में हमारे पास कल्याणकारी योजनाएं बहुत पेपर में हैं, धरातल पे नहीं है। थैंक यू। या जिनको हम लोग क्रिमिनल ट्राइब कहते हैं, वो क्या है, क्यों है, कहाँ से आ रहे हैं? अंग्रेज जब भारत आते हैं व्यापार के लिए आते हैं 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी जो है वो यूरोपियंस है। यहाँ पे इतना डाइवर्सिटी देख करके पागल हो गए हैं। यूरोप का ज्योग्राफी कमो बेस एक है, वहाँ बहुत डाइवर्सिटी नहीं है, ठीक है। आप पाएंगे उन्होंने समाज को समझने की दिशा में कोशिश करना शुरू किया कि हम व्यापार तो कर रहे हैं, पैसे तो अर्न कर रहे हैं, अपने यहाँ कच्चा माल भी भेज दे रहे हैं, वहाँ से प्रोडक्शन भी आ जा रहा है, बाजार भी लगा दिया है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो रूलर नहीं है, कोई किंग जैसी अवधारणाएँ नहीं है। सबका अपना अपना बिहार एक देश है, यूपी का जो है वो सेंट्रल प्रोविंस अपना एक देश है, मुंबई का एक अपना प्रोविंसेस हुआ करते थे ब्रिटिश एरा में, ठीक है। तो उस प्रोविंसेस को याद कीजिए, उन लोगों ने रूल करने के लिए शुरू करना शुरू किया कि मतलब यहाँ पे पैसे के साथ में यहाँ शासन व्यवस्था भी अपने हाथों में ली जा सकती है। उन्होंने ज़मीनों को लेकर के एक योजना बनाई कि जो ज़मीन मतलब किसी के कब्जे में नहीं है वह सरकारी ज़मीन हो जाएगी। यही है ना नोशन सरकारी ज़मीन का, किसकी ज़मीन है नहीं पता है तो वो गवर्नमेंट की है, ठीक है। तो उन्होंने पहले तो अपने आप को एक एक रूलर की भूमिका में एस्टैब्लिश करना शुरू किया, और उस रूलर बनने के बाद में उनका बहुत सारे लोगों से अलग 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 इंटरेक्शन हुआ, बहुतों से लड़ाइयाँ हुई, ठीक है, जो मैंने आदिवासी आंदोलनों के रूप में झारखंड के क्षेत्र में उपजी हुई सारे आंदोलनों का जिक्र, एक लिस्ट आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, बहुत सारे हिंदी राइटर्स ने आजकल उसको मतलब क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग अरेंज किया है, तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। आपराधिक आदिवासी समूह किनको कहा गया, तो ये एक टाइम पीरियड है प्री इंडिपेंडेंस जब कुछ क्लैशेस हो रहे हैं और उनकी ज़मीनें अब उनके हाथ में नहीं रही, अब वो लैंडलेस हो गए हैं। आदिवासी कभी लैंडलेस नहीं है, वो जहाँ है वो उसको अपना ऑनर समझता है, मालिक समझता है, ठीक है। तो वो जो जहाँ है वहाँ पे इस ज़मीन लूट को लेकर के अब वो लैंडलेस हुए, और ये बेल्ट लगभग आप बंजारों के संदर्भ में बहुत स्पष्टता कह सकते हैं। और जब लैंडलेस हुए तो इनके पास जब जगह नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, तो जीने के लिए उनको कुछ चीज़ों को एक क्राइम के तौर पे करना पड़ा, वो था उठाई गिर। लक्ष्मण गायकवाड़ की उठाई गिर उचक्का जरूर आप लोग पढ़ लें, वो उनकी आत्मकथात्मक लेखनी है, और उस आत्मकथात्मक लेखनी में इसी डीनोटिफाइड ट्राइब के बारे में, क्रिमिनल ट्राइब्स के बारे में बात की गई है, और वो बात यही आती है कि उनको जीने के लिए मुख्य धारा के समाज के आसपास रहना पड़ा, और उन लोगों ने चीज़ों को उठाना, चोरी करना। हम लोग कई बार मेट्रो से, बस से ट्रेवल करते हैं, खास तरह के कपड़े पहने हुए लोगों से सावधान हो जाते हैं,
याद आ रहा है, मैंने भी 16 साल दिल्ली में बिताए हैं, इसलिए मुझे बिल्कुल आइडिया है। कई बार रोड में आते जाते कुछ महिलाओं का समूह घुसता है और आप सचेत हो जाते हैं, बैग पर्स सब कुछ सामने करना शुरू कर देते हैं, बचना शुरू करते हैं उनके अटायरिंग सेंस से कि ये लोग तो पॉकेट मार हैं। ठीक है, पॉकेट मार आपकी तरह नहीं है, आपके तरफ से ड्रेसअप नहीं है, वो अलग दिखेंगे आपको, तो आप उनसे सावधान होना शुरू कर जाते हैं। तो इन लोगों ने बेसिकली चीज़ों को, मुर्गी उठा ली, किसी का बकरा उठा लिया, तो इस तरीके से काम करने लगे थे, जिसको कि अंग्रेजों ने आइडेंटिफाई किया कि इनका पैसा ही चोरी है। ठीक है, तो इस पैसा को चोरी बताने के लिए इन लोगों ने उन पर एक एक्ट बनाया कि ये मैं एग्जैक्ट ईयर याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन एक ईयर है मैम जिसमें कि उनको ट्राइब, क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया गया है। 1800 का ही टाइम पीरियड है, लेट 1850s के बाद का टाइम पीरियड है। तो उसमें उन लोगों ने बोला कि ये लोग क्रिमिनल ट्राइब हैं और इनको जहाँ भी देखो कहीं उस लोकेशन में क्राइम हुआ है तो वो उनके टांडा बोलते हैं, जो बंजारे रहते हैं ना उसको टांडा बोलते हैं। और आपको सूरज बरतिया एक लेखक हैं, अभी जापान में बेस्ड हैं, उनकी भी राइटिंग्स पढ़नी चाहिए जब वो बताते हैं। इवन कर्नाटका में एक प्रोफेसर हैं शांता नायक, वो भी सेम कम्युनिटी के हैं, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं आज, और वो बताते हैं कि किस तरीके से उनके टांडाज पे कोई क्राइम हुआ है, दुनिया ने किया है, लेकिन उन पर अटैक होता था, उनको उठा के ले जाया जाता था और उनके साथ सारी चीज़ें हो रही होती थी। तो ये एक मेजर, मतलब एक कम्युनिटी को सीधे सीधे चिपका दिया कि मेरा बाप चोर है। जैसे एक मूवी आई थी ना, मेरा बाप चोर है, हाथ में लिखा दिया जाता था, आई थिंक शोले वगैरह किसी एक का वो है। तो मैं ऐसे ही एक पूरी कम्युनिटी को बोल दो कि ये रेपिस्ट कम्युनिटी है। धर्म के आधार पर हम लोग टोपियों से और कुर्तों पजामों से तो डरने लगे ही थे, है ना। ये जो एक आइडिया बना दिया गया था अल्पसंख्यकों के प्रति, मुसलमानों के प्रति, तो उस बात को आपको बिल्कुल वहां ले जाके सोचना चाहिए। आप लोगों ने बाहुबली देखा होगा, देखा है सब बच्चों ने? चलिए, मैं आप लोगों की वजह से आजकल फिल्में देखना शुरू कर चुकी हूँ, तो क्योंकि आपको कनेक्ट करना पड़ता है उनसे। तो उसमें कटप्पा एक कैरेक्टर है, याद है? क्यों मारा, ये के साथ में सेकंड फेज का एक क्वेश्चन आ जाता है ना। लेकिन कटप्पा का जो फीचर बनाया गया है, ड्रॉ किया गया है, उसकी कम्युनिटी जो है, उन्होंने राजाओं को कभी मतलब सेव किया था। तो उसके बेटे का भी यही मेजर रोल है कि जब भी उस पर अटैक आएगा तो तुमको उस राजवंश को बचाए रखना है, यही था आइडिया। ठीक है, तो कटप्पा के साथ में क्या होता है कि कटप्पा का जो फीचर है वो इसी तरीके के एक नोमैड ट्राइब को आइडेंटिफाई कराने के लिए किया गया है। ठीक है, सलमान खान की भी एक मूवी आई थी जो पर्टिकुलरली एकदम इसी पर, जो क्रिमिनल ट्राइब्स हैं उनका, मैं मूवी का नाम भूल गई हूँ, देख नहीं पाई हूँ, उसका सिर्फ ट्रेलर और रिव्यूज तक में थी, प्रोबेबली शायद ये मेरी कमी है, मैं नहीं देख पाई हूँ। तो उसमें भी नोमैड और आपराधिक कम्युनिटीज़ के ट्राइब्स के बारे में दिखाया गया है। लेकिन मैं बार बार बोलना चाहूँगी कि बॉलीवुड फिर से एक कास्टिस्ट प्लेस है, तकनीक के माध्यम से वो जो आपको दिखाना चाहता है, जो पोर्ट्रे करना चाहता है उतना करके वो छोड़ देता है। वो बहुत सेंसिटाइज आज भी नहीं हो पाया है, तो उसकी एक मेजर ज़रूरत महसूस होती है कि फिल्मों के माध्यम भी देश के सही चैलेंजेस, सही इश्यूज सामने आ पाए, बनिस्पत इसके कि फिर हम घूर फिर करके उन्हीं आशीर्वादों में जाए जहाँ सूर्य की रेज निकलती है और बच्चे पैदा हो जाते हैं। ऐसी स्टोरीज जो मतलब आज हम कम से कम एक तार्किक तरीके से देखने और समझने की कोशिश करें तो हमें हास्यास्पद लगते हैं। आप आदिवासियों की सृजन की कथाएं सुनेंगे ना, मिथक जो सुनेंगे, तो वो बोलेंगे पृथ्वी कैसे बनी, तो कछुआ ना समुद्र के अंदर गया, अपनी पीठ में मिट्टी डाल के ऊपर आ रहा था, मिट्टी फिसल गई तो कछुआ नहीं सका, फिर वो बोलती मछली गई, मछली गई तो मछली लेकर के आई ऊपर मिट्टी, लेकिन उगल नहीं सकी, केचुआ गया और उसने जाके जमीन से, समुद्र के नीचे से मिट्टी उठाई और बाहर आके उसने पाती किया। आप केचुआ का नेचर जानिए, जो वो खाता है वही उगलता है। कितना साइंटिफिक एक मिथक कथा के तौर पर उसने बचाए रखा है कि अर्थवॉर्म जो केचुआ है उसने सृष्टि का निर्माण किया है, उसने हमारे लिए जमीन बनाई है। कहने को कथा, लेकिन उसमें कितना अप्रोच सही है, उसमें फिर से मतलब किसी के आशीर्वाद से और किसी के खीर खा लेने से बच्चे नहीं पैदा होते थे, बच्चे वैसे ही पैदा होते हैं जो आज तक दुनिया देखती आई है, जानती आई है। थैंक यू।